तनु, तुम्हें क्या लगता है निकिता प्रेग्नेंट है या नहीं? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना उसकी दोस्त हूँ जो उसकी हर एक खबर के बारे में पता रखूंगी। पूछना है तो उससे पूछो जो निकिता को हमेशा अपने पास रखता है। भाई वैसे उसने आपको कुछ बताया था उसके बारे में, अपना कोई बॉयफ्रेंड या कोई रिलेशन? कंसिडरिंग बोथ ऑफ यू आर सो क्लोज, आई मीन प्रोफेशनली। नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। एक तो बार मजाक में मैंने उससे पूछा था, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता उसका कोई बॉयफ्रेंड है। होता तो मुझे बता ही देती। या राइट, उसका कोई पति है ना बॉयफ्रेंड है, फिर प्रेग्नेंट कैसे हुई वो? वो तुमसे छुपा रही है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड है? या तो वो गेम खेल रही हो या तो तुम उसे कुछ छुपा रहे हो। तनु, तुम एक काम करो, तुम रूम में जाके रेस्ट करो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। आई टोल्ड यू मिस्टर मेहरा, वो प्रेग्नेंट है। मैंने दोबारा चेक कर लिया, पेशेंट को होश आ चुका है, आप चाहे तो उसे मिल सकते हैं। आइए, मैं आपको नीचे छोड़ देती। तू रुक, मैं जाती। अरे तू रुक ना, बाद में आ जाना। अब तबीयत कैसी है तेरी? बेटर है दादी, लेकिन वीकनेस अभी भी हो रहा है। पता नहीं अचानक कैसे कैसे हो गए। गाड़ी में बैठे थे अच्छे खासे और बातें कर रहे थे, अचानक ही ऐसे अजीब सा लगने लगा और मैं बेहोश हो गई। फिर ये यही लेकर आई होंगी मुझे घर, और उस डॉक्टर से मैंने पूछा तो उसने कुछ बताया नहीं, बस ये बोलकर चली गई कि अपना ख्याल रखना, स्ट्रेस मत लेना वगैरह वगैरह। समझ भी नहीं आ रहा ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है। ये अजीब सा तुझे कब से लगने लगा? पहले तो कभी नहीं हुआ दादी, आज ही पता नहीं अचानक क्यों ऐसे वीकनेस हो गई। पहले मुझे ये बता, तू नाश्ता ढंग से लेती है कि नहीं, और तेरी नींद पूरी होती है कि नहीं, या फिर कुछ और? ये नींद तो जितनी है हो जाती है, लेकिन आज नाश्ता करना भूल गई थी। वो देर हो रही थी सुबह और बाहर निकली तो सामने ये इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने आपको तो बताया होगा ना दादी, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ? ताकि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। समझ में नहीं आ रही कि ये अब क्या बोलूं तुझे, कुछ तो गड़बड़ है। दादी क्या गड़बड़ है, आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रही? क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं क्या बताऊं तुझे, डॉक्टर ने कहा है कि तू प्रेग्नेंट है। तुम्हारी आंखों के सामने तनु से शादी करेंगे और तुम्हें थक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल देंगे। सो मिस प्रज्ञा, क्या सोचा है तुमने? क्या है तुम्हारा फ्यूचर प्लान? मैं सजेस्ट करूं, एक काम करो, तुम भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ और इस घर से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। हमारी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। ये बीच बीच में हमारी लाइफ को खराब करना बंद कर दो, क्योंकि ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ तुम्हारी यहाँ पर इस वक्त हमने टेलीकास्ट की है ना, ये बहुत ही जल्दी बॉम्ब बनकर पूरी सोसाइटी में फटने वाला है। और ये खबर सुनने के बाद हमारे घर में तो क्या, तुम अपने घर में रहने के भी लायक नहीं रहोगी। भाई को जवाब देने की क्या बात है, तुम तो अपने घर वालों को भी जवाब नहीं दे पाओगी। विच बेसिकली मीन्स फ्रॉम नाउ ऑन नो मोर चैलेंजेस एंड नो मोर love story. You know what, Alia? मैं प्रज्ञा की मम्मी के बारे में सोच रही हूँ, उनका क्या हाल होगा? क्या कहा तुम दोनों ने माँ से? अरे क्या कहना है आंटी जी को, जो सच है वही बताएंगे ना। बस आंटी जी को बता दिया, जो हमें खुशखबरी मिली वो वहाँ हमने उन्हें बता दी, हमने उन्हें बता दिया कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है और वो नानी, और वो तो खुशखबरी सुनकर इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उन्होंने आगे से कुछ बोला ही नहीं, चुप हो गई बेचारी। क्यों तनु,
अनबिलीवेबल, इतनी अच्छी खुशी, मतलब अरे कहाँ जा रही हो तुम, वहां मत जाओ। देखो ये खुशखबरी सुन के आई एम श्योर बेचारी होने वाली नानी वहां तो रुक नहीं पाएंगी, तो वो यहीं पर तुमसे मिलने आ रही है, तो तुम यहीं रुको आराम। क्यों तनु? हाँ, और साथ में मिठाई भी लेके आने वाली, लेकिन सबसे पहले ना मैं उन्हीं का मुंह मीठा करवाऊंगी। अरे ये पहली खुशी है जो उनकी खुशी में हम भी शामिल होना चाहते, तो सेलिब्रेट तो पक्का करेंगे। यस तनु, कम ऑन, चलते। लिटिल जॉय इज ऑन इट्स वे। सेलिब्रेशन की थी, तुम बिना कहे मेरी हर बात जान लेती हो, और मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं जान पाया, ना दिल की ना दिमाग की। भाई आप उसे लेकर इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन उसने आपको बहुत बड़ा इमोशनल फूल बनाया। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। भाई आज पुलिस को अपना काम करने दीजिए, इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, उन्हें सच पता करने दीजिए। अगर अगर कुछ नहीं पता चला तो उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आप उसे इतना फेवर मत कीजिए कि आपके अपनों को तकलीफ पहुंचे। यार क्या करूं, ये टेंशन तो खत्म ही नहीं हो रही। ओ कितना मना किया था बच्चा, बट सुनता कौन है मेरी, चली गई वहां पर। अब वहां जाके पता नहीं क्या क्या अपने आप बोल के आएगी, ऊपर से प्रज्ञा को भी नहीं पता कि वहां आ रही। तो आप प्रज्ञा को फोन करके बता क्यों नहीं देते? अगर उसको पहले से पता रहेगा तो ठीक रहेगा, वरना वो अचानक माँ को देखेगी तो घबरा जाएगी। और इतनी देर से मैं क्या कर रही हूँ, तो फोन ही नहीं उठा रही। ऐसा करो आप ना लैंडलाइन पर फोन करो, फिर कोई भी उठाए आप बोल देना कि प्रज्ञा से बात कर रही है। ठीक कह रही है तुम। हेलो हेलो, जरा प्रज्ञा से बात करवा दीजिए। आप प्रज्ञा की दादी बोल रही हैं? हाँ। कैसी हैं दादी आप? वैसे सरला आंटी ने आपको गुड न्यूज तो दे ही दी होगी, आप परदादी बनने वाली, मुबारक हो। मेरी प्रज्ञा से जरा बात करवा दो। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रज्ञा प्रेग्नेंट है और वो आराम कर रही है, वो ऐसी हालत में यहाँ नहीं आ सकती। उसको बोलो कि मुझे मोबाइल पे फोन करे, मुझे बहुत जरूरी मैसेज देना है। मैसेज देना है? मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। ठीक है, उसको बोल दो उसकी माँ वहाँ आ रही है। सरला आंटी, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ऐसी हालत में सबसे पहले माँ को ही आना चाहिए, नहीं? हाँ, बस यही बात उसको बता देना। दादी फिर से ऐसी बात कर रहे हो, अब सरला आंटी आ रही है तो मिठाई, गिफ्ट और शगुन ये सब लेके आ रही होंगी ना? एंड आई एम श्योर उन्होंने तो गोद भराई की तैयारी भी कर ली होगी। अब वो आ रही है तो अचानक आके बेटी को सरप्राइज देना, और यहाँ पे फुल एंटरटेनमेंट होगा, आई मीन फुल सेलिब्रेशन। और अगर सेलिब्रेशन हो ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा अच्छे से किया जाए। ये सारी बातें सुन के ना आपको भी सेलिब्रेट करने का मन कर रहा होगा। तो कोई बात नहीं, आप भी आ जाइएगा, लेकिन हाँ। हेलो हेलो, जब एक बेटी माँ बनने वाली होती है तो एक माँ को कितनी खुशी होती है। अगर सब कुछ पहले जैसा होता ना तो मैं शायद मिठाइयां लेकर आती है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, कि मेरी बच्ची माँ बनने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी को तो कुछ याद ही नहीं है। अभी तो उसे पत्नी भी नहीं मानता, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी पत्नी का नाम प्रज्ञा है। और आप मुझे रोक रही है कि मैं अपनी बेटी को उसके नाम से नहीं पुकारूं? अरे आपको पता भी है उसकी हर बात पे साथ दिया है मैंने उसका, क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी भी गलत का साथ दे ही नहीं सकती। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस बच्चे के साथ नो हार्ड फीलिंग्स। देखो मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, फिर चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, जिस तरह मैंने तुम्हारा ख्याल रखा उसी तरह इस बच्चे का भी ख्याल रखूंगा।